शिवपुरी संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर केपी सिंह यादव को नहीं लगता कि सिंधिया उन्हें टक्कर दे पाएंगे। बता दें कि गुना शिवपुरी लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी केपी यादव ने आज शिवपुरी में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। इससे पहले वह गुना में प्राचीन हनुमान टेकरी मंदिर पहुंचे, जहां हनुमान जी महाराज से आशीर्वाद लेने के बाद वे शिवपुरी के लिए रवाना हुए। इस बीच उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि वह सिंधिया को 100% हराकर बताएंगे, बल्कि उन्होंने तो यहाँ तक कह डाला कि सिंधिया हार ही गए हैं, क्योंकि सिंधिया गुना शिवपुरी लोकसभा क्षेत्र के मतदाता भी नहीं। डॉक्टर केपी यादव ने शिवराज सिंह चौहान के नामांकन पत्र दाखिल करते समय न आने पर कहा कि हर एक व्यक्ति हर जगह नहीं पहुंच सकता। करने जा रहे हैं, ईश्वर का आशीर्वाद लेके हम घर से निकले हैं। जैसा कि हमारी हिंदू संस्कृति में बताया, किसी अच्छे भी काम के लिए जब भी अपन निकलते हैं तो हमेशा ईश्वर का, माँ बाप का, अपने बड़ों का आशीर्वाद लेके निकलना चाहिए। मैं आज सुबह ही करीला माता के दर्शन करके अशोक नगर में जो है तारबाले बालाजी के मंदिर गया, वहाँ से जैन मंदिर गया, गुरुद्वारे गया, और अभी गुना में टेकड़ी महाराज के दर्शन करके अब हम एक नेक काम के लिए निकल रहे हैं। हमें इतनी ऊर्जा मिली हमारे ईश्वर से, हमारे बड़ों से, कि निश्चित ही हम कामयाब होंगे और ये सीट जो है इस बार बीजेपी के खाते में जाएगी। कांग्रेस की जो तरह से सिंधिया जी कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? कोई चुनौती नहीं है, वो कभी कभार आते हैं और उनके पास सिर्फ नेता हैं, हमारे पास मेरे जैसे लाखों कार्यकर्ता हैं और हम राष्ट्र हित में काम कर रहे हैं, हम देश हित में काम कर रहे हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो कोई चुनौती है हमारे लिए। भाई साहब अभी हाँ पर्चा दाखिल करने जा रहे हैं, कौन कौन से नेता आ रहे हैं? मेरे क्षेत्र का हर मतदाता आ रहा है, हर मेरी माँ बहन, मेरे भाई बंधु, सभी जो इस क्षेत्र के नागरिक हैं, जो इस क्षेत्र के मतदाता हैं, सबका आशीर्वाद है और सभी को लेके जा रहे हैं। और नेताओं में हमारे माननीय गोपाल भार्गव जी वहाँ पहुँच चुके हैं, उनके साथ हम मतदान फॉर्म जमा करने जा रहे हैं। शिवराज सिंह जी आ रहे हैं कि नहीं? मुझे जानकारी नहीं है, शीर्ष नेतृत्व ने जिसको भी जवाबदारी दी होगी वो आ जाएंगे, लेकिन हाँ मुझे इतना पता है कि मेरे क्षेत्र के कई लोग आ रहे हैं, सभी मतदाता आ रहे हैं, जितने भी आ सकते हैं, प्यार से जिन जिन को आना है वो स्वयं आए, उनकी तरह हमने भीड़ बुलाई नहीं है पूरे प्रदेश से या अन्य प्रदेशों से, दिल से आ रहे हैं लोग और इस क्षेत्र के लोग आ रहे हैं। शिवराज सिंह सभी जगह जा रहे हैं, आप क्यों नहीं आ रहे हैं? ऐसा नहीं है, हर व्यक्ति हर जगह नहीं पहुँच सकता, आप हर जगह पहुँच सकते हैं, क्या मैं हर जगह पहुँच सकता हूँ? उनका संभव ही नहीं है। हमारे नेतृत्व में जहाँ का जिसको जो जवाबदारी दी होगी वो जवाबदारी वो निभा रहे हैं, हमारे क्षेत्र के हम लोग हमारी जवाबदारी निभा रहे हैं। कांग्रेस आप एक काम करें, अपन एक डिबेट रख लेते हैं या आप कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखें, उसमें जितने सवाल आप चाहें बिल्कुल आप पूछ लें। मैं जो है अभी हमें फॉर्म भरना है और मुहूर्त भी है, जल्दी निकलना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप देखेंगे ये चुनाव हम 1001% जीत रहे हैं और हम जीत चुके हैं, और आप जैसे जैसे मेरे नज़दीक आएंगे मुझे पहचानेंगे, आप खुद कहेंगे कि आप और पहले क्यों नहीं आए। मतलब ये रूमर ही है केवल कि आप पर्चा खींचेंगे? रूमर है वो तो यहाँ के मतदाता भी नहीं है भैया, मैं तो यहाँ का मतदाता हूँ, एक वोट से मैं वैसे ही जीत गया हूँ। विधानसभा चुनाव में हम 16,400 वोटों से जीत चुके हैं इस क्षेत्र में, अब तो हमें लाखों वोटों से मोदी जी को जिताना है, क्योंकि मोदी जी ही हमारे प्रत्याशी।